हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिव विद किसनील में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें। और ये काफी हेल्पफुल वीडियो है और जो लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और जिसके परिवार में भी अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको आप वीडियो जरूर शेयर करें, ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन से हमें बाहर कैसे आना चाहिए। और ये वीडियो काफी डिमांडिंग थी, इस वजह से मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज है जिसमें किसी भी इंसान का अपने आप पे कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, दूसरों से कंपेयर किया जाता है और वो दूसरों से अपने आप को हीन भावना उसके अंदर आ जाती है, अपने आप को हीन समझने लगता है, तुच्छ समझने लगता है। और वही सोच उसकी और टेंशन उसको एक ऐसी भयंकर बीमारी की ओर ले जाती है जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, तो जिसको भी हो जाती है उसको रात को नींद नहीं आती, उसको कोई खुशी फील नहीं होती है और वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है और उसमें हमेशा इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, इसको हम अपने मनोबल से और कुछ उपाय के द्वारा इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी इसके काफी उपाय हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको किसी इंसान की वजह से कोई डिप्रेशन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज बहुत रीजन होते हैं कि कुछ लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट आते हैं, किसी की लाइफ में समवन स्पेशल के साथ कुछ हादसा हो जाता है या फिर वो हमेशा के लिए चला जाता है तो गहरा सदमा लगता है इंसान को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर ऐसा कुछ है तो आप किसी इंसान की वजह से हुआ है जो आपको जिसने चीट किया है और आपको छोड़ दिया है, तो आप उस इंसान का कॉन्टेक्ट लिस्ट से और सोशल मीडिया से जहां भी आप उससे कनेक्टेड हैं पूरी तरीके से आप उसको ब्लॉक करिए, अपने फोन से उसका नंबर हटा दीजिए और फेक लोगों से दूरी बना के रखिए। और सेकेंड ये है कि अपनी फैमिली में आप जिससे भी कनेक्टेड सबसे ज्यादा क्लोज हैं, आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके भाई बहन हो, और घर में नहीं है आप हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है आप उससे क्लोज हैं, तो जिस वजह से भी आपको डिप्रेशन है आप उसको उस इंसान से पूरी बात करिए और अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि आप जितना उसको उस बात को अपने अंदर रखेंगे उतना घुटन होगी और वो डिप्रेशन बढ़ेगा। तो आप जब भी उससे बात करेंगे तो आपको काफी हल्का फील होगा, रिलैक्स भी लगेगा। तो आप किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर करें जिससे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी बात मन में ना रखिए। और थर्ड गाइस ये है कि आयुर्वेद में बहुत योगा है, आप उसमें योगा कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार वगैरह कर सकते हैं और काफी रिलैक्सिंग योगाज है जिनकी वजह से आपके डिप्रेशन का लेवल काफी कम हो जाता है, आपको काफी रिलीफ मिलता है। और हमेशा अपने आप पे भरोसा रखें क्योंकि आप ही आपको समझ सकते हैं अच्छे से, आप अपनी ताकत समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए आपको अपने पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। कुछ मेडिसिन फ्री होती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप हेल्दी फूड लीजिए, टाइम से सो जाइए और सुबह टाइम से उठिए और मॉर्निंग में अपना थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक करें, आप देखेंगे आपको काफी फर्क दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप संगति ऐसे लोगों के साथ रखिए जो पॉजिटिव, निगेटिव लोगों से आप बिल्कुल भी दोस्ती ना करें, उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि आप निगेटिव लोगों से दोस्ती करेंगे तो सबसे मेन रीजन आता है उनकी निगेटिविटी आपकी तरफ आ जाती है, आपकी जितनी पॉजिटिविटी होगी वो खींच लेते हैं और वो तो निगेटिव रहते ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जितने अगर आपकी लाइफ में एक भी पॉजिटिव इंसान है तो आप उसके साथ रहिए, बाकी निगेटिव लोगों को छोड़ दीजिए। और जो दिखावे की दोस्ती करते हैं या फिर दिखावे का कोई भी रिश्ता रखते हैं आप उनसे दोस्ती बिल्कुल खत्म कर दीजिए, रिलेशन बिल्कुल खत्म कर दीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और एक दिन देखेंगे कि आपका यही भरोसा कॉन्फिडेंस आपकी ये डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी को बिल्कुल पछाड़ दिया है। सबसे बड़ी बात आप हमेशा ये याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से मान लिया कि आपको जीतना है तो आप जीत के रहेंगे, और अगर आपने मान लिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, तो आप हार जाएंगे। तो मन आप अपना जो है बिल्कुल दृढ़ कर लीजिए कि हमें ये इस चीज को हराना है, चाहे जो भी हो कैसे भी करके, और निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए और देखेंगे एक दिन आप इस चीज को बिल्कुल पछाड़ देंगे तो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और आप वो अचीव करेंगे जो आपका सपना होगा, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले और बाकी आपके फ्रेंड्स आप पे प्राउड फील करेंगे और खुद आपको प्राउड होगा, आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बन जाएंगे, उदाहरण लोग आपका देंगे, जो लोग आपकी उपेक्षा करते थे, कंपेयर करते थे, वही आपकी तारीफ करेंगे। इन सब का मेन रीजन अपने आप पे भरोसा करना ही है, आप अपने पे भरोसा बिल्कुल भी ना छोड़ें। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने व्यूअर हैं तो
आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, प्यार और सपोर्ट देते रहें, और आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे आप बहुत जल्दी इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे।